हेलो स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती। आज के हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के 10th और 12th के होने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा, उसमें कैसा उसका पैटर्न होगा, है ना। वार्षिक जो प्रश्न पत्र है वो कैसा होगा, तो इस बारे में आज बात करेंगे। और मैं आज के इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ कि पैटर्न कैसा रहने वाला, उसको मैं 100% बोलूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है वो इस पैटर्न पे ही एग्ज़ाम लेगा। उसके हिसाब से जो आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नों के हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, विषय पर आधारित प्रश्न थे और एनालिटिकल क्वेश्चन थे, विश्लेषणात्मक प्रश्न थे, उसके हिसाब से मैंने पैटर्न बताया था। लेकिन वो पैटर्न को मैंने बोला था 99% मेरे हिसाब से सही है। लेकिन आज का जो पैटर्न बताने वाला हूँ, ये 100% बोलूँगा कि ये पैटर्न ही ऐसा ही पैटर्न आपको रहने वाला है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड आपको देगा, ठीक। तो सीधे वीडियो पर मूव करते हैं कि पैटर्न कैसे रहने वाला है। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आधार पे ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, आगे सैंपल पेपर दूंगा कि पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो वो हर एक विषय के मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा, ठीक। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके साथ वाले हैं उन सबको इसको शेयर करके, ताकि वो भी समझ पाएँ कि पैटर्न कैसा रहने वाला है। जो अभी तक मध्य प्रदेश के स्टूडेंट की टेंशन थी या परेशानी थी कि पैटर्न कैसे आने वाला है, प्रश्न क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, ये बड़ी समस्या थी, तो आज के बाद वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप इस वीडियो को देखेंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो सभी इसको समझ जाएंगे, तो बस उनको केवल एग्ज़ाम की टेंशन नहीं रहेगी, एग्ज़ाम को कैसा पढ़ना उसकी टेंशन रहेगी, प्रश्न पत्र की टेंशन नहीं रहेगी कि कैसा आने वाला है। वो मैं बताऊँगा आपको कि प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है। तो 10th 12th एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश 2020-21 का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो सीधे आते हैं पैटर्न पर। तो स्टूडेंट देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो वार्षिक प्रश्न पत्र ईयरली जो एग्ज़ाम होगा 2020-21 का, तो देखिए यहाँ पे जो हमें विषय रहेगा आपका हिंदी हो सकता है, समाज विज्ञान हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, गणित हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, हायर सेकेंडरी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अदर जो भी सब्जेक्ट सबके लिए होगा, ठीक। अब जो प्रश्न पत्र 100 मार्क्स के होंगे वो 100 मार्क्स उसका मार्क्स रहेंगे, और जो 70 या 80 के होंगे वो 80 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कैसे विकल्प होंगे, निर्देश में क्या दिया रहेगा, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे वो क्या रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा, ठीक। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा, वहाँ कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्टिव जो होंगे विषय पर आधारित, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन, यहाँ ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, ये प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने 3 अंक का होगा, ये आपको पहले ही पता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और यहाँ कितने अंक का होगा, 4 अंक, ये हम जानते हैं। अब समस्या यह है कि यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए यदि आपने ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा हो तो वहाँ निर्देश में दिया गया था कि 5 में से क्वेश्चन, कुल 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन करना होगा और 6 में से 4 क्वेश्चन करना होगा। ये आपने निर्देश में देखा होगा कि यदि 5 क्वेश्चन है तो 3 करना होगा और 6 है तो 4 करना, बस इसी पर आधारित हमारा पूरा पैटर्न है। तो मैंने ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया है, उसको समझा है और कहीं जाके पैटर्न निकाला है। देखिए यहाँ हमें इस बार, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विकल्प मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट्स बनाए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने होंगे, सब्जेक्टिव कितने होंगे और एनालिटिकल कितने होंगे, तो मैंने इसके आधार पे आपको पार्ट्स बनाए थे। लेकिन इस बार और मैंने डीपली ध्यान दिया है उस पर, तो इस बार आपको इकाई के हिसाब से पैटर्न दिया है, इकाई के हिसाब से खंड बनाए जाएंगे, खंड 1, खंड 2, खंड 3 या खंड आवासा तो नहीं बोलेंगे, इकाई के हिसाब से, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड। आपने ध्यान दिया हो तो ब्लूप्रिंट में हर एक सब्जेक्ट को 3 इकाई में बांट दिया गया है। कितनी इकाई में बांटा गया है, 3 इकाई में बांट दिया गया है। अब उस इकाई के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया, मान लो गणित मैथ्स ले लिया, ठीक, मैथ्स ले। देखिए वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है यहाँ पे कि यही कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, ठीक, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पेपर
पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन उसमें रहेंगे और हमें किस तरीके से विकल्प मिलेंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता हो गया है कि इस बार हमें अथवा वाले प्रश्न पत्र नहीं मिलने वाले, अथवा वाला प्रश्न नहीं मिलने वाला, तो उसके स्थान पर क्या रहेगा। तो आपने ध्यान दिया हो कि गणित विषय में टेंथ में गणित विषय में पहली इकाई में 5 चैप्टरों को रखा गया है। कौन कौन से रखा गया है? वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। और यहाँ पे प्रश्न संख्या क्या दी है, इनमें बोला गया है कि एक अंक वाले जो सब्जेक्टिव हैं, एक अंक वाले क्वेश्चन हैं, वो कितने इनने बोले हैं? 10 क्वेश्चन बोले हैं। और तीन अंक वाले कितने क्वेश्चन बोले हैं? 3 अंक वाले हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? यहाँ से यहाँ पर 3 अंक वाले हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। और 4 अंक वाले कितने करने हैं? 4 अंक वाले 4 करने हैं। तो क्या हमें केवल 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे? क्या हमें 4 मिलेंगे? तो जी नहीं। देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। यहाँ कितने करने हैं? 4 अंक वाले 4। तो आपको अभी मैंने आपको बताया था यदि 3 क्वेश्चन करने हैं तो कितने देंगे? वो 5 देंगे। तो यहाँ इकाई फर्स्ट से, देखिए इकाई फर्स्ट से मैथ्स में, गणित में इकाई 1 से 1 नंबर वाले हमें कुल कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने प्रश्न मिलेंगे? 10 प्रश्न मिलेंगे। कुल प्रश्न या क्वेश्चन कुल कितने होंगे? 10 होंगे, जिन्हें हमें 10 को ही करना है। वस्तुनिष्ठ में कोई आपको विकल्प नहीं मिलने वाला है, विकल्प ऑप्शन वाले मिलेंगे, बाकी इसमें हमें 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। अब जो सब्जेक्टिव होंगे, विषय पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, वो हमें कितने करने हैं? इकाई से 3 करने हैं। तो कुल प्रश्न कितने मिलेंगे हमें? कुल प्रश्न मिलेंगे 3 नंबर वाले कितने? 5। और करना कितने हैं? कोई भी 3। देखिए कुल प्रश्न संख्या हमें कितनी मिलने वाली है इकाई 1 में? 5। और करने कितनी है? 3। करने कितने क्वेश्चन हैं? 3। और यहाँ 4 नंबर वाले कुल कितने प्रश्न मिलेंगे? 4 नंबर वाले कुल प्रश्न हमें मिलने वाले हैं 6। तो करने कितने हैं? कोई भी एनी 4। देखिए हाँ, तो यहाँ ये विकल्प है, हमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 3 नंबर वाले और करना कितने हैं? 3। हमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे कितने अंक वाले? ये 1 अंक वाला है, ये 3 अंक वाले हैं और ये 4। तो 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 अंक वाले, करने कितने हैं? 4। हाँ, इस बात को ही समझना है। तो हर एक विषय के हिसाब से अलग अलग अपना पैटर्न बनने वाला है। जहाँ जितने प्रश्न संख्या हमें इकाई 1 में, मान लो हमें 3 क्वेश्चन करने हैं 3 नंबर वाले, तो 5 दिए रहेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे हमें कुल कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। तो कितने देंगे वो? वो हमें 6 देंगे इकाई 1 से मैथ्स में। अब इकाई 2 में क्या है? इकाई 2 में यदि आपने ध्यान दिया हो तो बस 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन हमें देंगे? हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, और 10 को ही करना होगा। लेकिन 3 अंक वाले जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कौन से सब्जेक्टिव 3 अंक वाले, वो हमें कितने करने हैं? सद्या इसमें वो हमें करने हैं 3। कितने करने हैं? 3। तो यहाँ पे भी फिर हमें 5 कुल कितने क्वेश्चन देंगे? कुल क्वेश्चन देंगे 5। कितने देंगे? 5। और करना कितने होंगे? एनी थ्री। समझिएगा बात को। कुल प्रश्न कितने मिलेंगे हमको? टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन होंगे 5। और करने कितने हैं? एनी 3। अब ये 3 अंक वाले, अब 4 अंक वाले जो होंगे वो कितने करने? इकाई सेकंड में हमको करने हैं 3। तो कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? वो 5 देंगे। और करने कितने हैं? 3। तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ हमें 3 क्वेश्चन करने हैं वहाँ हमें कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? टोटल हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई 3 करना होगा। ये पैटर्न रहेगा, 3 खंडों में विभाजित करेंगे, 3 इकाइयों, पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। तो यदि पहली इकाई में आपको, जैसे मान लीजिए मैथ्स में 10 नंबर के आने वाले ऑब्जेक्टिव, ठीक, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं कौन से? सब्जेक्टिव। और 4 करने हैं कौन से? एनालिटिकल। तो 3 करने हैं आपको कौन से? विषय पर आधारित। तो कितने क्वेश्चन देंगे? वो आपको 5 देंगे और बोलेंगे कोई 3 कीजिए। इसी प्रकार 4 करने हैं आपको विश्लेषणात्मक, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन, तो कितने देंगे आपको वो ऑप्शन? आपको 6 क्वेश्चन देंगे और कहेंगे कोई 4 कर लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे 1 नंबर वाले 10 के 10 करने हैं पूरे। अब यहाँ पे 3 करने हैं 3 नंबर वाले, तो कितने देंगे वो? 5। यहाँ करने हैं 4 नंबर वाले 3, तो कितने देंगे? 5।
ये बात बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इकाई थर्ड में क्या है, इकाई थर्ड में फिर वही एक अंक वाले तो हम पता है कितने हैं, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 ही करने हैं। लेकिन तीन अंक वाले जो क्वेश्चन हैं और 4 अंक वाले, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, 3 अंक वाले 6 और करने कितने हैं 4। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, 4 अंक के, क्योंकि करना हमें कितने हैं यहाँ पे 3, एनी 3, तो कितने मिलेंगे फिर 5। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसा पैटर्न बनने वाला है हर विषय के लिए। तो मैथ्स का मैंने यहाँ पर समझाया है कि कुल प्रश्न संख्या कितनी, 10, 10, 30 हो गए एक नंबर वाले। अब यहाँ हमें इकाई एक से 3 अंक के जो क्वेश्चन हैं, 3 अंक वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो कितने करने हैं, 3, तो कितने मिलेंगे हमें, 5। यहाँ जो कौन से क्वेश्चन हैं अपने, विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन जो हैं, वो हमें 4 करने हैं, तो कितने मिलेंगे, 6, ठीक। इसी प्रकार इकाई सेकेंड में एक नंबर के 10 फिक्स है वो। अब इकाई सेकेंड में हमें 3 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो कितने करने हैं, 3, तो कितने देंगे वो हमें, 5 देंगे। इसी प्रकार हमें यहाँ 4 नंबर कितने करने हैं, 4 नंबर वाले हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो कितने देंगे, यहाँ पे भी 5 मिलेंगे। अब इकाई थर्ड में जाते हैं तो हमें 3 अंक वाले क्वेश्चन कितने करने हैं, 4 करने हैं आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो कितने मिलेंगे क्वेश्चन आपको, 6 मिलेंगे। और यदि आपको यहाँ पर देखिए कि 4 अंक वाले कितने करने हैं यहाँ पे, 3, तो कितने मिलेंगे, 5। तो देखिए आप समझ चुके होंगे कि 3 यहाँ क्वेश्चन करने हैं 3 अंक के, 3 यहाँ और 4 यहाँ, कुल कितने हो गए, 10 हो गए। हाँ, 3 अंक वाले 10 क्वेश्चन, तो कितने नंबर हो गए, 30। 1 अंक वाले वैसे हमें पता है 30 क्वेश्चन मिलने वाले, 30 अंक। और 4 अंक वाले यहाँ करने हैं 4, यहाँ करने हैं 4, 3 और यहाँ करने हैं 3, तो कुल कितने हो गए, 10 वो भी हो गए, कितने अंक वाले, 4 अंक वाले, तो कुल कितने हो गए, 40 अंक। इस तरीके से आपको 100, तो आपको 4 अंक वाले कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 6 और 5 11 और 5 16, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम करने कितने हैं, 10, तो यहाँ 16 क्वेश्चन मिलने वाले, देखिए सॉरी 6 हाँ और 5 11 और 5 16, इतने क्वेश्चन हमको मिलने वाले, करने कितने हैं 10, तो कुल कितने मिलने वाले हैं, 16 क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन वो यहीं पे देखना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ के मान लो आपसे तीनों, यहाँ के मान लो पाँचों बन रहे हैं, तो आप 5 यहाँ कर लो, यहाँ पे कोई एक कर लो, दो कर लो, ऐसा नहीं होगा। जितने यहाँ विकल्प हैं वो विकल्प यहाँ के लिए हैं, जो विकल्प यहाँ के लिए हैं वो विकल्प यहाँ के लिए ही होंगे। तो यहाँ पे हमें इन 6 में से ही 4 करना है। अब ऐसे नहीं आप सोचो कि ओवरऑल हमें 16 दिए हम 10 कर लेते हैं कोई, तो ये भी नहीं होगा। आपको इकाई एक का इकाई एक से देखना है, इकाई दो का इकाई दो से, और इकाई तीन का इकाई तीन से। आपको यहाँ 6 क्वेश्चन मिलेंगे 4 अंक वाले, और करने कितने हैं, कोई 4 करने हैं। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 4 अंक वाले, करने कितने हैं, 3। तो ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ा हो रहा, हम ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब ऐसे अपन ने क्या किया है, जी गणित के लिए हो गया, अदर विषय के लिए आप कर सकते हैं ऐसा ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अब 12th क्लास के किसी एक सब्जेक्ट के लिए चुन ले, समझ लेते हैं। जैसे मैंने 12th क्लास में गणित विषय के लिए यहाँ पे भी ले लिया मैथ्स, किसकी, 12th की। और हर विषय इसी पैटर्न पे आधारित होगा, जैसे उसकी इकाई बांटी गई है उसी हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे भी 3 इकाई में इसको बांटा गया है, कितनी इकाई में, 3 इकाई में। यहाँ पे भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, विषय पे आधारित क्वेश्चन है, और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है और एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब इकाई एक में 1 अंक वाले कुल कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 अंक वाले 10 क्वेश्चन करने हैं, कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन, तो 10 ही हमको देंगे। सब्जेक्टिव में यहाँ पे देखिए 3 अंक वाले हैं, 4 अंक वाले। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें नहीं पता, और करने कितने एनी ये भी नहीं पता फिलहाल अभी। तो देखिए यहाँ पे हमें इकाई एक में पता है कितने करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं हमें, इकाई एक में हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं, और इसके करने हैं कितने, 3। तो यहाँ कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 है, तो कितने देंगे वो, 6। 3 में कितने देंगे, 5। बड़ा ही आसान है, देखिए
यदि आपको चार क्वेश्चन करने हैं इकाई एक से, ये आएंगे चार क्वेश्चन मेनली, तो ऑप्शन में कितने रहेंगे आपके पास, छः क्वेश्चन रहेंगे और छः में से कोई एक चार करने होंगे। यहाँ तीन होंगे चार नंबर वाले, तो कितने आपको ऑप्शन मिलेंगे, पाँच, तो कितने करने होंगे, तीन। तो इस तरीके से ट्वेल्थ का भी सेम पैटर्न जो टेंथ का था। इकाई सेकंड में ये तो एक नंबर वाले दस क्वेश्चन तो फिक्स हैं हर एक में, यहाँ पे भी फिक्स हैं एक नंबर वाले दस क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीन अंक वाले, तो तीन अंक वाले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे और करने कितने होंगे, यानी यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और करने कितने हैं कोई भी, तो देखते हैं। यहाँ पे इकाई सेकंड में हमें तीन अंक के कितने क्वेश्चन करने हैं, तीन क्वेश्चन करने, तो कितने देंगे फिर वो, पाँच देंगे, आप समझ चुके हैं, पाँच में तीन, छः में चार। और यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे कुल कितने करने हैं, चार अंक वाले चार क्वेश्चन करने हैं, तो कितने देंगे फिर वो, वो कितने देंगे, छः क्वेश्चन देंगे। इस तरीके से पैटर्न है। और लास्ट इकाई में यहाँ पे इसके भी हमें तीन करने हैं, इसके भी तीन, तो दोनों कितने कितने देंगे, पाँच पाँच। तो देखिए पाँच क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे तीन नंबर के और पाँच क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे चार नंबर के, दोनों हमें तीन तीन करने, ये पैटर्न बनाया गया है। ठीक, कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला पैटर्न नहीं, हम समझ बस पाएँ कि हाँ यहाँ के जो छः क्वेश्चन हैं उनमें से ही हमें चार करना है। ऐसा नहीं कि अपन ने यहाँ जोड़ ली छः पाँच ग्यारह और पाँच सोलह में से हमें कितने दस क्वेश्चन करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ पे छः क्वेश्चन दिए रहेंगे तो इसके ही क्वेश्चन में से हमें चार करने हैं। ठीक, ऐसा भी नहीं करना कि इन दोनों को मिला के हमने दोनों में से सात कर लिए, बिल्कुल नहीं है। हमें इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन करने हैं, इसके अलग करने हैं, इसके अलग करने और इस एक्सरसाइज के या इकाई के यूनिट के अलग क्वेश्चन हैं। तो यहाँ छः में से चार करने हैं, यहाँ पाँच में से तीन, यहाँ पाँच में से तीन, इसी प्रकार चार अंक में यहाँ पाँच में से तीन, छः में से चार और पाँच में से तीन। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होगा, आपका एग्जाम ऐसे ही आएगा, आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। ये 100% मैं बोल सकता हूँ, 100% आपका जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो ऐसे ही होने वाला है। अब रही बात प्रश्न पत्र की, तो प्रश्न पत्र मतलब एग्जाम होगा कब, तो देखिए आपको पता है अभी अभी जस्ट CBSE बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, 4 मई से उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 4 मई से एग्ज़ाम CBSE वालों के होने वाले हैं, तो मेरी मान के चलिए मेरे हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम है 10th के, वो अप्रैल 2nd week में होने के पूरे पूरे चांस हैं, और नहीं तो फिर आगे और बढ़ सकते हैं। बाकी मार्च में तो खैर नहीं होंगे, ये सबको समझ में आ चुका है, क्योंकि आपको पता है किस कारण नहीं हो रहे हैं। तो अप्रैल 2nd week तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आप समझ चुके हैं कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले।